जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो दोस्तों? मैं भी ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। दोस्तों मैं आज आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि पर्सनली मेरे साथ हुई है। दोस्तों मैं किसी काम के सिलसिले में जा रहा था तो मैंने रास्ते में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया जो कि 3 लीटर के लगभग था। दोस्तों मेरा मोटरसाइकिल तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद रुक गया है और बिल्कुल सुनसान जगह पर रुक गया है। तो मैं अभी इसको चेक कर रहा था कि किसी टेक्निकल ख़राबी की वजह से ये मोटरसाइकिल बंद हो चुका था। तो मैंने जब इसको चेक किया है तो इसमें कोई टेक्निकल ख़राबी मुझे नज़र नहीं आई। और मैंने इसकी जब वो कार्बोरेटर वाली नली खोली है तो आप देख सकते हैं वीडियो में इसमें साफ सैर पानी निकल रहा है और सारा ही पानी है। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये पेट्रोल पंपों वाले जो नाजायज़ कर रहे हैं, ये असल में हुक्मरानों की कमज़ोरी है जो कि हमारे लीडर साहबान हैं, यानी कि हमारे जो DC साहब हैं और हमारे अलीमीन भटपुर साहब हैं। दोस्तों ये हमारे जो DC साहब हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है जो इसने ईद से पहले अहदा संभाला है कि DI खान वालों के साथ इंसाफ करें और DI खान वालों को अपनी सीट का कुछ तो फ़ायदा पहुँचाएँ। ये देखें अपनी मनमानी कर रहे हैं, पंपों ने सारा पेट्रोल मेरा ज़ाया कर दिया है, पहले वाला भी और अब वाला भी। आप देख सकते हैं कि मैं इसको बिल्कुल खाली कर रहा हूँ और मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पर कोई भी पम्प साथ में नहीं है, ना ही किसी पेट्रोल का ज़रिया है, और मैं कितनी मुसीबत में हूँ ये मुझे पता है। दोस्तों मेरी तो खैर है लेकिन पता नहीं कितने गरीबों के साथ इन पंपों वालों ने ऐसा किया होगा। मैं पंप वालों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं जानता हूं कि ये पंपों वाले कोई आम बंदे नहीं होते और पंप किसी आम गरीब बंदे का काम नहीं है लगाना। बहरहाल मैं ये अपने DC साहिबान और अलीमीन गंडपुर साहब से, ख़ास तौर अलीमीन गंडपुर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जो कि बड़े बड़े वादे और दावे करते थे कि मैं अपनी हुकूमत में रहूँगा तो मैं DI खान के इंतज़ामिया और बहुत सारे इंतज़ामिया को जो पूरे मुल्क किया उनको सेट करूँगा, लेकिन आप अपने DI खान के इंतज़ामिया को पहले सेट करें और उनको देखें। अलीमीन गंडपुर साहब आपके इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और सो रही है। और दूसरा दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि हमारे हुक्मरानों तक उनकी नाअहली और नालायकी पहुँच सके और उनको कुछ ना कुछ अवाम पर तरस आए। ये मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अलीमीन